दोस्तों, अगर आपने मोगरा का पौधा लगाया है अपने घर पे और उसमें अगर अभी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है या चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मोगरा का पौधा जो होता है वो इस समय जो सर्दियों का समय होता है इस समय डोरमेंसी पीरियड में चले जाता है। डोरमेंसी पीरियड मतलब इसमें ना कोई अच्छी ग्रोथ होगी ना कोई फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी और नई ग्रोथ भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो मोगरा के पौधे में जो जब ये डोरमेंसी पीरियड खत्म होने वाला था उस समय अगर आपने तीन चार काम जो मैं बताऊंगा अगर वो कर लिए तो आप पूरे साल भर मोगरा के पौधे से बहुत अधिक मात्रा में फूल प्राप्त कर सकते हो। आपके गार्डन में अगर मोगरा का पौधा लगा है तो ये जरूरी काम आप जरूर करें। उससे पहले जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो मैं नई वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। दोस्तों, मोगरा का पौधा जो होता है इसमें जो फूल आते हैं वो बहुत अच्छी खुशबू होती है उन फूलों में। अगर आपने मोगरा का पौधा नहीं लगाया तो इस समय आप नर्सरी से मोगरा का पौधा ला सकते हैं। उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसकी केयर कैसे करोगे और किस तरीके से उसको आप खाद वगैरह दोगे वो सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो आपने मोगरा का पौधा जैसे लगाया है ये मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो कर रखा है, देखिए इसी ये मदर प्लांट है, इसी की कटिंग से ये लगाया है। इसको 1 साल हो गया है, देखिए इस तरीके का हो गया। जो नर्सरी से पौधे मिलते हैं इसी तरीके के मिलते हैं, वो 1-1.5 साल पुराने मिलते हैं। तो इसमें भी बताऊंगा आपने क्या करना है और जो ये पुराना पौधा है इसमें आपने कौन सी खाद देनी है और कैसे क्या करना है वो सब बताऊंगा। सबसे पहले जो मोगरा का पौधा होता है इसमें जो आप देखते होंगे इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं दिखती है और ना कोई फ्लावरिंग दिखती है। अब इसका जो समय होता है बसंत ऋतु से स्टार्ट होता है फ्लावरिंग का और ये जब शरद ऋतु आती है या जब सर्दियों का मौसम आता है उस समय तक ये फ्लावरिंग अच्छी करता है। तो उसके लिए जो टिप्स हैं वो सबसे पहले जो मोगरा का पौधा जो लगाया हुआ है आपने गमले में, ये देखिए जैसे मैंने लगा रखा 12 इंच के पॉट में लगा रखा और इसकी मैंने एक बार जो है रिपोर्टिंग भी कर दी है। इसको दोबारा इसमें बॉन्ड हो गई थी सब जड़ें, तो उनको जड़ों को हटाकर दोबारा इसमें खाद वगैरह दी, उसके बाद इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। तो आप अगर आपका पौधा अगर बॉन्ड हो चुका है मतलब इसमें जड़ें जो है ज़्यादा बच चुकी हैं गमले में तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस समय। तो अगर आपने रिपोर्टिंग का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि कई बार लोगों का जो मानना होता है कि मोगरा के पौधे में फूल जो नहीं आते हैं खाद अगर उसमें अच्छी नहीं पड़ी है तब नहीं आते हैं। लेकिन एक कारण इसका मेन ये भी रहता है जब ये पौधा आपने लगाया है इसको बहुत टाइम हो गया है एक ही पॉट में लगे हुए तो इसकी रूट जो होती है बॉन्ड हो जाती है। ये रूट जितनी भी होती है वो सब देखिए आप नजदीक से आकर देख सकते हैं। देखिए ये जो रूट्स होती हैं ये देखिए आपके जाल जैसा पूरा गमले की जो ऊपर की सतह है उसमें बच जाएगा। इसी तरीके से पूरे गमले में जितनी रूटें हैं ये सब चिपक जाती हैं। उससे क्या होता है कि इसमें ना कोई ग्रोथ दिखेगी अच्छी, क्योंकि रूट्स सब बच गए हैं तो इसको खुला कुछ नहीं मिलेगा कि जिससे कि अपनी जो खाद वगैरह देते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट को दे सके। ये पूरा बच जाता है तो उसकी वजह से इसमें कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। तो आपने इसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं अभी तो एक तरीका और है, देखिए सबसे पहले जो इसकी जो ऊपर का जो जाल बना हुआ है रूट्स जो बद गए हैं, देखिए इस तरीके से आपको रूट दिखेंगे, ये सब रूट हैं, देखिए ये पूरा जाल बच जाता है। जाल बच जाएगा तो इसमें ना जो पानी भी हम देंगे वो पानी इसमें स्टोर हो जाएगा, उससे फंगस लगने का डर भी रहता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको रूट दिखेंगी इसमें सब, ये देखिए ये रूट्स जितनी है ये सब आपको निकाल देनी है ऊपर के हिस्से की। इस तरीके से इसको आप जो जाल बंधा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ये रूट्स दोबारा बन जाती हैं पौधे में। पौधा जब ग्रोथ करने लगता है बसंत ऋतु से तो ये रूट्स आपको दोबारा देखने को मिल जाएगी। ऊपर की जितनी ये जो जाल बंधा हुआ है इसको निकाल दीजिए इस तरीके से। आप इसकी 2-3 इंच की जो लेयर होती है मिट्टी की वो निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए जो जाल बच जाता है पूरा गमले में इससे जो खाद वगैरह हम देते हैं वो पूरा पौधा ले नहीं पाता है, वो खाली ऊपर ऊपर हम खाद देते रहेंगे तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। पौधे की जड़ों में जो है खाद जानी चाहिए। तो हम इसकी जो 2-3 इंच की लेयर है उसकी सारी मिट्टी इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, आप सोचोगे पौधा खराब हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब इसकी जो है ग्रोथ का टाइम है, पौधे की जो रहती है इस समय ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी पूरी 2-3 इंच की लेयर मिट्टी की निकाल देंगे।
अब देखिए इसमें क्या करना है आपने, उसके बाद इसमें देखिए आपने क्या करना है, जो ये मिट्टी की लेयर निकालने की, इस एरिया में आपने, ये मैंने देखिए ये गोबर की खाद है, फुली डिकम्पोज गोबर की खाद चाहिए आपको, लगभग 1-1.5 साल पुरानी खाद होनी चाहिए, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद होगी तभी उसका फायदा है, आप कच्ची गोबर की खाद डाल दोगे तो उससे नुकसान ही होगा पौधे को, उसमें फंगस वगैरह लगने का डर रहेगा। तो देखिए जैसे मैं गोबर की खाद लाया हूँ, बिल्कुल फुली डिकम्पोज है, पूरी सड़ी हुई, तो इस तरीके से आप ये एक लेयर इसकी डाल देंगे, लगभग आपने 100-200 ग्राम आपने गोबर की खाद डाल देनी है, इस तरीके से गोबर की खाद डाल देंगे। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो आप किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं, वैसे गोबर की खाद मिली जाती है आस पड़ोस में, किसी ने गाय पाली होगी या डेयरी फार्म होगा तो आप वहां से ला सकते हैं, आपको सस्ती मिल जाती है गोबर की खाद, ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो इस तरीके से आप गोबर की खाद इसमें डाल देंगे। गोबर की खाद जो होती है इसमें जो है ह्यूमिक एसिड बनता है, पौधे के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी होता है, कोई भी मिट्टी अगर अपनी जो है पोषण क्षमता जो बढ़ाती है वो ह्यूमिक एसिड की वजह से ही बढ़ाती है, और गोबर की खाद में ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इसमें एनपीके भरपूर मात्रा में होता है। एनपीके जो होता है ये भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आप इस तरीके से जो गोबर की खाद है इसको डाल देंगे, उसके बाद इसमें क्या करना है आपने एक चीज और डालनी है जिससे कि इसमें फंगस ना लगे, वो चीज क्या है मैं बताता हूँ आपको। फंगस से भी पौधा जो है खराब होने का डर रहता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर अगर बने रहेगा तो उसमें फंगस लगने का, जड़ों को क्योंकि हमने रूट्स निकाल लेगी तो उसमें जो है फंगस लगने का डर रहता है, तो आप ये इस चीज का प्रयोग जरूर करें। ये देखिए यह है नीम खली आपको मार्केट से मिल जाएगी। नीम खली जो होती है पौधे की जो फंगस लगता है या कि इसमें जो कीड़े वगैरह लगते हैं जड़ों में मिट्टी में, तो दीमक वगैरह वो भी नहीं लगता है। नीम खली आप एक मुट्ठी नीम खली इस तरीके से डाल देंगे। अगर आप देखिए जैसे मैं आप दिखाता हूँ आपको, नर्सरी से आप पौधा लाए हैं, नर्सरी से अगर आप पौधा लाए हैं इस तरीके का होगा। देखिए अगर छोटे साइज के तो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसकी प्रूनिंग आप जब थोड़ा सा उसमें ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होंगी उसके बाद करेंगे। तो अगर आपकी जैसे पौधा ये नर्सरी से लाए हैं और थोड़ा सा बड़ा हो गया देखिए इस तरीके का, तो आप उसकी हल्की प्रूनिंग कर दीजिए, ज्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है क्योंकि ये छोटा पौधा होगा आपका, तो उसकी आप हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप कुछ टाइम बाद देखेंगे इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और इस पौधे को अगर आपका इसी गमले में, अगर छोटे गमले में ही लगा है तो इसी में रहने दीजिए, जब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और इसमें रूट्स बनने लग जाएंगी तो उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ट्रांसप्लांट करने के बाद आप पौधे में जो मैंने खाद इसमें दे रखी बड़े पौधे में, आप उस तरीके से इसमें खाद देंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मोगरा का पौधा जो है हमेशा आप धूप में ही रखेंगे, अगर धूप में नहीं रखा है तो आप उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों मोगरा के संबंध में आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।